हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं कटहल की सब्जी, जो कि मैं हांडी में बनाऊंगी और हम इसे हांडी कटहल भी बोल सकते हैं। इसके लिए हम पहले इसमें नमक और पानी डाल करके 3-4 मिनट तक उबालेंगे। तब तक हम गरम मसाले निकाल लेते हैं। ये पत्थर फूल, इलायची, जावित्री, लौंग, कबाब चीनी, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, एक टीस्पून जीरा। अब हम तेज पत्ता को छोड़ करके बाकी सब मसाले को दरदरा कूट लेंगे। ये लगभग 3 मीडियम साइज प्याज है जो बारीक कटे हुए हैं। और मसाले में हम 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून मीट मसाला, 1 टेस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर जो कि तीखा वाला है, और लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब हम सारे मसाले को मिलाएंगे। इसके लिए हम पहले बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे और मसाले को खूब दबा करके मिलाएंगे ताकि वो मसाले से प्याज में एकदम मिल जाए। और ये धनिया पाउडर है, ये रेड चिल्ली पाउडर है कश्मीरी वाला, ये गरम मसाला पाउडर है। अब हम इसको खूब अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार, हल्दी, इसके लिए तेल को पहले ही गर्म कर लें, कच्चा तेल नहीं डालें, नहीं तो उसका कच्चापन रहेगा और खाने में थोड़ा सा टेस्ट ख़राब लगेगा। ऐसे बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है और मसाले एकदम कटहल में मिल जाते हैं। और ये तेल गरम किया हुआ है, अब इसको हम मिलाएंगे। गरम करके ठंडा कर लिए थे, उसके बाद हम इसको मिला लिए हैं। अब हम इसमें कटहल डालेंगे। ये लगभग 25-30% पका हुआ है, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पहले अच्छे से मिक्स कर लें। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी। अब हम इसे हांडी में डालेंगे। इसको गर्म करके अंदर तेल डाला हुआ है और उसको अच्छे से ग्रीस किया हुआ है। अब हम ये कटहल और ये प्याज मसाले जो मिलाए हैं, अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे, उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। अगर आपका मटका नया है तो इसमें 2 कटोरी पानी भी डाल दें, क्योंकि मटका भी पानी सोखता है। और अगर मटका पुराना है तो इसमें पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस 1 कटोरी डालें। हमारा तो लहसुन के पेस्ट में ही पानी है, बाकी पानी छोड़ेगा, उसी में ये बन जाएगा। मगर अगर मटका नया है तो 2 कटोरी एक्स्ट्रा पानी आप डालें और एकदम मीडियम फ्लेम पे, मीडियम पहले तो 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखें, बाकी एकदम बाद में स्लो कर दें और उसमें 10 मिनट तक पकाएं। तेल डाल दिए, अब हम इसमें मीट मसाला डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे।
अब हम इसे बंद कर देते हैं। और ये 10 से 15 मिनट में एकदम खाने लायक रेडी हो जाएगा। अब इसको आग पे चढ़ा दें और 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रखें गैस को। उसके बाद फिर स्लो, एकदम स्लो कर दें और 10 मिनट तक इसको छोड़ दें। बीच बीच में बस पलट दें इसको इस तरह से। ये हांडी मटन बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और ये यूनिक रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजी है और टेस्ट भी अच्छा लगता है इसका। रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये गैस निकल रहा है इससे, इसके लिए हम ऊपर कुछ भारी रख देते हैं। बीच बीच में पलटते रहें नहीं तो नीचे जल जाएगा ये। अब रेडी हो चुका है, अब हम इसको खोलते हैं। रेडी होने के बाद लगभग 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद खोलना है, नहीं तो फिर वो सारा उसका भाप निकल जाएगा और वो अंदर ठीक नहीं लगेगा। 2-3 मिनट छोड़ देने से ठंडा भी हो जाता है और सारे मसाले अंदर ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। ये देखिए हमारा हांडी कटहल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अभी ये बहुत गर्म है, इसको मैं कपड़े से पकड़ करके निकालती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये सारे ऊपर के आटा पहले हटा लेते हैं, फिर हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। रेडी है हमारा हांडी कटहल। अब हम इसे सर्व करते हैं। ज़्यादा ना चलाएं नहीं तो फिर ये सारा महीन हो जाएगा। अब रोटी के साथ इसे सर्व करते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। इसके साथ मैं रोटी को सर्व कर रही हूँ। ये बिल्कुल रेडी है हांडी कटहल रोटी खाने के लिए। रेडी है हमारा हांडी कटहल। थैंक यू।